सारा इंडिया में फंसे करीबन 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को राहत मिली है। अब जल्द ही उनके पैसे उनके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सारा इंडिया रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल के जरिए अब वो लोगों को उनका पैसा ऑनलाइन वापस कर सकेंगे जिनका पैसा सहारा में फंसा है। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या होगा रिफंड पाने के लिए, आपको प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले निवेशकों को गूगल में जाके टाइप करना होगा mocrefund.crcs.gov.in। ध्यान रखिएगा mocrefund.crcs.gov.in। पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद पोर्टल में के होम पेज में जाकर पंजीकरण पर क्लिक करना होगा, यानी कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी उनका जो है लॉगिन में कर पाएंगे। यहाँ आपको अपने आधार नंबर से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा, यानी कि जो आपके पास आधार नंबर है उससे जुड़ा जो नंबर है, जो उस रजिस्टर्ड नंबर है वो डालना होगा। डालने के बाद इसके बाद आपको OTP सेंड पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आपको OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ जाएगा तो वो OTP क्या होगा, दर्ज करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद फिर से आधार ने लास्ट 4 अंक और मोबाइल नंबर डालकर OTP दर्ज करें। नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूँ पर क्लिक करें। यहाँ आपका बैंक का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको डिपॉजिटर्स सर्टिफिकेट के साथ क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा और सोसाइटी के नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी। हाँ, सभी डिपॉजिटर्स और डिटेल्स दर्ज और वेरिफिकेशन के बाद आपको पोर्टल पर क्लेम लेटर डाउनलोड करना होगा। इस पर अपनी पासपोर्ट फ़ोटो चिपकानी होगी, साइन करना होगा। इसके बाद क्लेम लेटर को लेकर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद 45 दिनों के भीतर क्लेम राशि आपके आधार से जुड़े अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।